पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने एकजुटता दिखाई है। लोगों की एकजुटता से ही कोरोना वायरस को हराने में हमें सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जहां देश में कोरोना के संक्रमण से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट की घड़ी में लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया था, जिसको देखते हुए लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझाए रखी और लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर एकजुटता दिखाई ताकि कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमीरपुर जिला में लोगों ने रात को 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक घर की बत्तियां बुझाई, मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर एकजुटता का संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने घर की सारी बत्तियां बुझाकर घर के बरामदे में अपने परिवार सहित दीपक जलाए। कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा, इस आग में कोरोना भी जलकर मर जाएगा, राख हो जाएगा। सुरक्षित रख। जय माता, जय भारत, जय हिंद, जय माता। पास करो। Oh, that's true.